रशियन वॉर देख रहा था तो यूक्रेन इतना बड़ा है कि रशिया उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। ऑक्यूपेशन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्योंकि उतने लोग नहीं है रशिया के पास एंड एक्सपेंसिव टू मेंटेन। लेकिन ये सब डिजिटली किया जा सकता है, डिजिटली आसान होगा। मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि बिल्डिंग में एक मुद्दे पे सब लोग एग्री नहीं होते, और कोरोना पे कैसे क्या सब लोग एग्री हो गए, मतलब कुछ तो है। तो उधर ही तो झूठ है, विराट कोहली जैसा कुछ रहता ही नहीं, दैट इज फेक, टोटल फेक। और ये सरकारों को भी मालूम है, लेकिन सरकार ने इसमें साथ दिया क्योंकि ये लोग माइक्रोसॉफ्ट कब से सरकार को सारे सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर, अभी ये हेल्थ आईडी पासपोर्ट उसका सॉफ्टवेयर। तो सरकार ने इसमें साथ दिया क्योंकि सरकार के पास नए सॉफ्टवेयर टूल्स आएंगे कंट्रोल करने के लिए, और सरकार कंट्रोल में बहुत कंट्रोल मतलब ये थोड़े सैडिस्ट लोग हैं, खून चूसने वाले मॉन्स्टर्स हैं, और बहुत सारे लीडर्स एक्टर्स हैं। कनाडा का प्रधानमंत्री एक्टर, अपना तो एक्टर भी है, दल्लू भी है, फिर अभी यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी एक्टर है। तो बहुत सारे फिल्म एक्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इनके एक्टिंग स्किल्स भी काम के हैं पॉलिटिकल, क्योंकि अभी वो आह्वान दे रहा है एक चिकना प्रेसिडेंट, मतलब बिल्ड बिल्ड भी अच्छी है और काफी दिखने में भी अच्छा है, तो एक सिक्स पैक वाला एक्टर एज ए प्रेसिडेंट बिठा दिया है पपेट। और लोगों को मौत के मुंह में ढकला जा रहा है। तो ये सब जो है, क्योंकि बहुत जन बोल रहे थे कि इतने सारे लोग हैं ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन से। जब डिजिटलाइज हो जाएगा सब कुछ जो हो रहा है, तो सरकार एक झटके में पूरा का पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती है, मतलब जिसको चाहिए उससे वो कुछ भी करा सकती है। तो ये असली इंटरेस्ट है सरकार का ये गेम में शामिल होने का। और ये कुछ सैडिस्ट लोग हैं, वो किल गेट्स सैडिस्ट लोग हैं, इनको ऐसा अत्याचार करने में बहुत मजा आता है। और ये लोग ने जो टच किया है, आई एम सीइंग द हेल्थ डैमेजेस, ऐसा बोलने को मतलब थोड़ा रिस्की लगता है क्योंकि आसपास देख रहे हैं क्लॉट्स, बीमार, और लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो रहा है। एक मेरा पहचान का लड़की है, एलर्जी हो गया, 1 महीना हो गया जा ही नहीं रहा है, मतलब काफी टाइम से जा ही नहीं रहा है, स्किन रैशेस वो मतलब जा ही नहीं रहा है। तो ऐसा इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए परमानेंट डैमेज, जाएगा शायद 6 महीना 1 साल, या जाएगा भी नहीं। तो वैसा काफी सारा परमानेंट डैमेज हो चुका है। तो ये कुत्ते लोग, कमीने लोग सरकार का साथ, इनका साथ दिया कंट्रोल वाले सॉफ्टवेयर के लिए, और उसके लिए सारे सरकार शामिल है इसमें। और ये लोग ने क्लाउड में भी पहुंचाया है ऊपर लोगों को, और परमानेंट डैमेज भी हुआ है काफी। मैं देख रहा हूं ना, आसपास है, और जो जो तारीफ करते थे टोचन की, अभी वो लोग को लग रहा है कि कुछ गलत हो गया क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज जा ही नहीं रहे। और ऐसा भी नहीं कि उम्र में है, 40 के आसपास है, कुछ यंगस्टर्स भी है, कुछ 30 साल के आसपास भी है, और काफी सारा है डैमेज।